आज के सवाल है कि धर्म युद्ध पर बनी फिल्म तो भाषा फिर ऐसी क्यों? सवाल है कि फिल्म के में संवाद से लेकर किरदार तक विवाद क्यों है? आदि पुरुष के नाम पर क्या रामायण का अपमान किया गया है? ये बुनियादी सवाल है जिनको लेकर के आज हम चर्चा में बैठेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ उनका परिचय से कराता हूँ। सुरेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ देर में, अभिनेता है। महंत नवल किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर है। विष्णु गुप्ता हमारे साथ होंगे, अध्यक्ष हैं हिंदू सेना से। साथ ही साथ नासिर अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, एक्टर हैं। मानवी तनेजा हैं, एक्टर मॉडल हैं। और मुर्तजा अली खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिल्म समीक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत विष्णु गुप्ता आपसे करना चाहूंगा, भाई फिल्म को लेकर एतराज क्या? फिल्म को लेकर एतराज साफ ही है, क्योंकि जिस प्रकार से रामायण के नाम से इन्होंने काफी मार्केट में प्रचार किया, ऐसा रामायण का कुछ उसमें नहीं है। रामायण के नाम पे सिर्फ हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहे हैं, संस्कृति को बर्बाद करने का नाम कर रहे हैं। आप फिल्म बनाओ, जैसा कि धारावाहिक भी बनते हैं रामायण पे, रामानंद सागर का धारावाहिक है, सबने सराहा है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। अब रामायण को बदनाम ना करें, रामायण जो है रामचरितमानस है, वो व्यक्ति का चरित्र निर्माण करता है, और यहाँ पे इन्होंने चरित्रहीनता वाली चीजें दिखाई हैं। और मैं यहाँ यही मांग करते हैं, इसीलिए हमने हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया है। इमीडिएटली सुनवाई के लिए सोमवार को हम सुबह मेंशन भी करेंगे कि माननीय जज साहब हमारी बात सुने और तत्काल इस फिल्म पर रोक लगाएं और भारत सरकार को आदेश दें कि इसका सेंसर दिखाते। मानवी तनेजा आप मानती है उस बात को? देखिए मैं तो ऐसा नहीं मानती, पर मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार है ये सब बातें। असली मुद्दा यह है कि प्रोपेगेंडा को किसी तरीके से जीवित रखना। अब इनको मैं ये बता देती हूँ कि रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे वाल्मीकि है, तुलसीदास है, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। तो आपको लगता है कि जो रामायण आपने बहुत साल पहले देखी थी और जो सबसे पहले आई थी उसी के हिसाब से बनी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो यूथ है वो डिफरेंट टाइप की रामायण देखना चाह रहा है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने साबित भी कर दिया, पहले दिन की जो कलेक्शन थी वर्ल्ड वाइड वो 100 करोड़ से ऊपर की थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है। कलेक्शन ये पैमाना है कि सही है चीजें? हाँ, क्योंकि अगर लोगों को पसंद आ रही है तभी तो लोग जा रहे हैं देखने थिएटर में। अगर लोगों को पसंद लोग और अभी जा रहे हैं कि इसमें कंट्रोवर्सी चीज क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है साक्षात वहां पे हनुमान जी ने भी दर्शन दे दिए, अगर आपने देखा हो तो एक बंदर भी वहां पे दिखा है। एक हनुमान जी की सीट थी सारे हॉल में, और साक्षात आप बोल रहे हैं मार्केटिंग भाई, ये पीआर टेक्निक हो सकती है। जो आरोप लग रहे हैं उनको हटाने के लिए एक सेकंड में लौट रहा हूं आपके पास विष्णु गुप्ता। सवाल मेरा यह है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और प्रभु श्री हनुमान सौम्यता और गंभीरता का प्रतीक हैं। लोगों का कहना यह है कि ना तो इस फिल्म के डायलॉग में सौम्यता नजर आती है, ना गंभीरता ना मर्यादा। नसीर साहब आप तक आवाज पहुंची? अच्छा, अरे जी, मेरे आवाज आ रही, मुझे मालूम नहीं था कि आपने मेरे से सवाल जो है पूछा। जी ये सवाल आप ही से नहीं मालूम था। ओके, मुझे नहीं पता। खैर फिर से मैं एक्चुअली दोहराऊंगा कि मेरे ऑटो रिक्शा वाले ने कहा था कि सर आपको बोलने नहीं देते, मतलब मुझे उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मैं खाली दोहरा रहा हूँ। तो अगर हो सके तो बोलने दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर सो जाऊंगा। मैं इसलिए सवाल आपके पास लेकर आया सर, ताकि आपकी राय हम लोग जान सके। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन जब मैं राय देता हूँ तो कोई अड़ंगी दे देता है मुझे, या तो एंकर या कोई और साहब। तो अगर चुपचाप आराम से सुन ले, मैंने ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना है, बताइए सर। तो छोटी सी बात करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो बात असल में ये है, जो कि मैंने पहले भी कहा है, कि सबसे पहली बात ये है कि भगवान का अपमान हो नहीं सकता। क्या मोहम्मद साहब का अपमान हो सकता है? एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, विष्णु जी, विष्णु गुप्ता एक एक करके बात करेंगे। देखिए आप, आपने बात की, किसने रोका नहीं, तो नासिर अब्दुल्ला पहले अपनी बात कर ले, आपको जितने तर्क देने होंगे उनके बाद दीजिएगा। विष्णु जी आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, तो आप अपना लगे रहिए किसी। मैंने तो चार अल्फाज बोले, चार ही शब्द बोले। मैं अपनी शादी की बात कर लूं, अपनी शादी के बारे में बात करने टाइम आपको मिलेगा सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। अलग बात है ना, मतलब कोई, मैंने कहा था ना बोलने नहीं देते, देख लीजिए सामने हो रहा है, अब इन्होंने रोका फिर आप रोक देंगे। चलिए ठीक है, इस बात को भी छोड़ दीजिए। असल बात यह है कि जो यहाँ पे इल्जाम आरोप जो लगाया जा रहा है कि फिल्म का इरादा ये है, वो ये नहीं है, वो यही नहीं है। कोई भी फिल्मकार इस देश में रहते हुए इसी देश के धर्म को ठेस क्यों पहुंचाएगा? भारत माता के खिलाफ कार्टून एक सेकेंड विष्णु जी, थोड़ा शांत सुन लीजिए भाई, थोड़ा शांत, 30 सेकंड उनको दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। हाँ सब ठीक हो जाएगा, लड़का ही होगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ
के बाद जो है अगर इसमें कोई अश्लीलता है या कोई बुरी गाली या कोई और ऐसी गंदगी की बात की जाती है जो कि सही नहीं, मैं बोलता हूँ रोको, मैं बोलता हूँ इस सीन को हटाओ, मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं चाहूंगा। अच्छा नासिर साहब, एक डायलॉग का मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा सुरेंद्र जी के पास। डायलॉग ये है सर कि रावण का राक्षस जो सैनिक है वो बजरंग बली को अशोक वाटिका में मिलता है और उनसे कहते हैं कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने चला है, मरेगा बेटे आज तू, अपनी जान से हाथ धोएगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नजर आती है? तो, हाँ, मुझे मुझे नहीं आती, लेकिन अगर किसी को आती है तो कर ले। मेरे पास एक इस बात का सुझाव है, फिल्म बनने से पहले सेंसर बोर्ड है ना, उनके पास ही अपने आदमी भेज दें कि भैया हमें दिखाओ, पहले उनको दिखा दे, फिर जो भी आपत्ति की चीज हो उसको काट दें, बात खत्म हो गई। हमेशा यही होता है कि आश्वासन दिया था, मतलब उल्टी सीधी बात सुन तो लीजिए, ठीक है। हमेशा ये होता, मैं आपकी बात को जितना समझ पाया सर, आपका कहना है कि भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिनकी आपत्ति हो मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। ठीक है सर, ठीक है सर, अगले 20 सेकंड अपनी बात आप रखिए, उसके बाद चलूंगा मैं सुरेंद्र जी के पास। आप पहले से कर ले बात कि भाई क्या अश्लीलता कुछ है तो नहीं, और फिर हटा दें। एंड वक्त पे सिनेमा थिएटर पे आ गई फिल्म, फिर आप अपना डंडा लेकर के खड़े हो जाते, गलत बात है ना, पहले कर लो बात। ये डंडा लेकर खड़े हुए ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि फिल्म का जो ट्रेलर दिखाया जाता है या फिल्म की जो स्क्रीनिंग की जाती है उसमें आप सभी लोगों को बुला लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो निर्माता निर्देशक होते हैं या तो वो जाते हैं फिर सेंसर बोर्ड के पास में या फिर सेलेक्टेड लोगों को बुला करके फिल्म दिखा दी जाती है। एक सेकंड, बीच में इंटरप्शन नहीं। स्रोत पास साहब मुझे बताइए सर, मेरे पास कम से कम 8-10 डायलॉग तो मेरी स्क्रीन के सामने ही है जो कि मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है। जिस मर्यादा की उम्मीद हम रामायण में करते हैं, आराध्य भगवान श्री राम या श्री हनुमान से जो उनका प्रतीक हम मानकर चलते हैं, उनके मुंह से ऐसी भाषाएं क्या स्वीकार्य होंगी? सुरेंद्र जी देखिए, हाँ, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है, जब भी कोई, तो एक एक तबका हमारे समाज का उठ के खड़ा हो जाता है जो उसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म को बैन कर दिया जाए, इसमें नारंगी रंग पहना है, इसने पीला रंग पहना है, इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट होती है। और एक बड़ी फिल्म को कई बार कंट्रोवर्सी से फायदा भी होता है और कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में, आदि पुरुष के बारे में मात्र इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम छोटे छोटे होते थे जी, तो हम माता पिता हमें जो है रामायण पढ़ के सुनाया करते थे, और हमारी हमारी उसके साथ एक धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, और हमारे हम उस ग्रंथ को बहुत मान और सम्मान करते हैं, हमारा धर्म से जुड़ी हुई चीज है वो, और उस धर्म को हम बहुत ज्यादा मानते हैं। अब है जब हमारे धर्म को तोड़ मरोड़ के या उसका मजाक करके या उन पात्रों को जिनको हमने बचपन से देखा है उनको गलत तरीके से या तोड़ मरोड़ के दिखाया जाएगा या धर्म की धर्म ग्रंथ को गलत ढंग से पेश किया जाएगा जनता के सामने, पब्लिक के सामने, तो हमें डेफिनेटली दुख होगा और हम उसका हम विरोध भी करेंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि रामायण और महाभारत दो ग्रंथ और लेकिन सुरेंद्र जी, जब आप विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये फिल्म निर्माता की या लेखक की क्रिएटिव फ्रीडम है और क्रिएटिव फ्रीडम छीनी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्रिएटिव, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम जो है हमारे धार्मिक, जो हमारे इतने पूजनीय ग्रंथ हैं उनके बारे में ही ये लोग क्रिएटिव लोग जो हैं इसके पीछे जाकर उसको तोड़ते मरोड़ते क्यों हैं जी, जबकि हम इतने सालों से, जैसे कि रमन सागर जी ने रामायण बनाई उसके बारे में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ना तोड़ा ना मरोड़ा। इसके दो पहलू हैं सर, इसके एक पहलू ये भी है, और नासिर साहब मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा महंत नवल किशोर के पास। नासिर साहब, कहा यह जा रहा है कि भाई जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ऐसे डायलॉग्स बीच में डाले गए। मेरा ख्याल ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिला वजह के कंट्रोवर्सी के लिए ही डालो फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि इनका काम होता है अपना पब्लिक को एंटरटेन करना, उनको सेटिस्फाई करना। नासिर साहब, पब्लिक का एंटरटेनमेंट धर्म के आधार पर नहीं हो सकता ना, इस देश के अंदर बॉलीवुड में
हर साल सैकड़ों मूवीज बनती हैं सर, हर धर्म के हर हर चीज के आधार पे एंटरटेनमेंट हो सकता है, ये आप गलत बात कह रहे हैं। अच्छी अच्छी फिल्म अच्छी फिल्म होती है अगर अच्छी फिल्म है। अब आजकल के जमाने में, अब एक जमाना था म्यूजिक जो था, अब जो म्यूजिक सुनता हूँ बकवास, मैं तो बैरा हो जाता हूँ, बकवास मेरे हिसाब से। लेकिन वो दिन और थे, मैं तो 30 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं वापस लौट रहा हूँ नवकिशोर दास जी, मानिए बताइए धर्म के आधार पर क्या मनोरंजन हो सकता है क्या, या धर्म के आधार पर मनोरंजन करने को लेकर आप कितना भी कैसा भी बोल सकते हैं क्या? अनंत जी, धर्म मनोरंजक विषय नहीं है। धर्म के आधार पर चलकर व्यक्ति मन की वासना को हटाकर उपासना में लगाता है। धर्म जीवन में दानवता को समाप्त करके मानवता प्रकटीकरण करता है। मैं पहले तो प्रसन्नता व्यक्त कर दूं कि पहले तो हमारे धर्म के आधार पर लेकर नाटक नुटक जितने बनते थे उसमें उपास होता था। चलो अब आप बना रहे हो, अच्छी बात है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनता जो धार्मिक है उसकी दृष्टि में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, माँ जानकी का, लखन का या हनुमान जी का, यहाँ तक रावण का भी एक एक खाका है कि इस रूप में होना चाहिए। और हम कहते हैं हमारी जो आस्था के विषय हैं, आप दिखा रहे हैं अच्छी बात है, परंतु आप उसको मनोरंजन मत बनाइए। आप मनोरंजन बना ले और कुछ बनाइए, पर हमारी जो वेद पुराण है, हमारे शास्त्र है, हमारी आस्था, उसके साथ खिलवाड़ आप कम से कम न करें जी। आप ऐसी फिल्में बनाएं जिससे लोगों को धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति लगाव बढ़े, क्योंकि लोग उसका अनुसरण करते हैं, देखते हैं जी। तो आप बना रहे हैं धर्म की फिल्में, इसके लिए तो साधुवाद है, परंतु बनाने से पहले कम से कम देख तो लो भैया, राम जी को मूछ नहीं है। उन्होंने तो बनाने से पहले देखी ना, उनको नजर आएगा कि भाई इसमें पैसा ज्यादा है, धर्म के आधार पर ये व्यापार बेहतर चलेगा। मुझे बताइए ना सर, कैसे कोई व्यक्ति जो कि सनातन पर विश्वास करता होगा, जिसकी आराध्य प्रभु श्री राम या हरि हनुमान है, कैसे वो बर्दाश्त करेगा भाई उनकी मुंह से ऐसी भाषा बुलवाई जा रही है? नहीं, आपने क्यों बुलाया त्यागी जी मेरे को? मुंतजर शुक्ला, थोड़ा उनके बारे में रिसर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे उनके वीडियोस देख लीजिए, वो विद्वान है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे कम विद्वान नहीं है मनोज मुंतजर शुक्ला जो है, जो राइटर है इसके लिए रिसर्च, उनका रिसर्च देख लीजिए जरा जाके, यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देख लीजिए उनके, रामायण पे या सागर मंथन पे या उस पे थोड़ा पढ़िए जाके, फिर आपको पता चलेगा वो किस तरह के राइटर हैं, उनकी क्या शैली है, उनका क्या स्टाइल है, उनका क्या बॉडी ऑफ वर्क है। 3.5 घंटे तक, फिल्म शुरू होने से आधे घंटे पहले मैं थिएटर में बैठा था, 350 लोग ने लगातार जय श्री राम के जयकारे किए, 3.5 घंटे 350 लोग। अगर ये झूठे हैं, ये जयकारे झूठे हैं, अगर ये जय श्री राम की जो भक्ति की भावना जो 350 लोगों में जागृत हुई थी कल जो मैं प्रेस शो देख रहा था दिल्ली में, तो इसका मतलब है कि वो सच है। और ये सब जो लोग बोल रहे हैं, इन्होंने फिल्म देखी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि सच में ही जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान श्री राम हम सबके जो आराध्य हैं, हम सबके जो एक रोल मॉडल हैं, उनका जिस तरह से महिमा मंडल इस फिल्म में हुआ है, आई थिंक ये सब पूरे हिंदुस्तान। बताइए मुर्तजा खान साहब, आपने 2 घंटे 51 मिनट की मूवी बनाई, बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे, बीच में 6-7 डायलॉग आपने ऐसे डाल दिए लोगों को आपत्ति है, तो अच्छाई देखेगी बुराई? राम जी की मर्यादा हमारे हृदय में, हम जानते हैं हमें राम जी को कैसे देखना है। फिल्म वाले बताएंगे कि देखना चाहते हैं सर, क्या 20 साल के बच्चे एवेंजर्स देख रहे हैं, आप चाहते हैं एवेंजर्स देखें या भगवान राम के बारे में थोड़ा जाने? कार्टून दिखाओ, वो एवेंजर्स और ह्यूमन वगैरह देख रहे हैं, पता चलना चाहिए भगवान राम के बारे में। मुर्तजा खान की ऐसी भाषा का इस्तेमाल जरूरी है क्या कि कपड़ा तेरे बाप का इस्तेमाल है? नहीं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेबी तेरे बाप की, मतलब शैली है वो, चरित्र ऐसी भाषा की, नौटंकी की एक शैली है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा, हनुमान जी की नौटंकी की शैली है वो, अक्सर इसका बार बार की नौटंकी की शैली है। आप देखिए जाके हनुमान जी की जो भाषा है उसमें नौटंकी की शैली का प्रयोग किया गया है, और भाषा में नौटंकी कैसे देंगे? मनोज मुंतजर ने इस चीज पे पूरी तरह से बताया कि आज भी शास्त्र में भी होता जा रहा है। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड मान जी, 1 सेकंड में आपके पास आऊँ, विष्णु गुप्ता आपके पास में आऊँ, मुर्तजा अली खान आपके पास 30 सेकंड है, और मुझे बताइए कि शास्त्रों में ऐसी भाषा का उल्लेख कहाँ है? आपने शास्त्रों का जिक्र किया, बताइए जरा मुझे। देना चाहता हूँ कि रामायण सागर की जो रामायण है ना, वो हमारा रामायण सागर के रामायण शास्त्र नहीं है। नहीं, तो वही मैं आपको मुर्तजा अली खान, मूवी में क्लियरली बताया गया कि वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो इसका फाउंडेशन है। वाल्मीकि जी की रामायण जो यहाँ किसी ने भी शायद नहीं पढ़ी है, रामचरितमानस का जिक्र भी नहीं किया फिल्म डिस्क्लेमर में, वाल्मीकि जी की रामायण रेफरेंस मटीरियल है इसका। और जो भी भाषा यूज की गई है, मनोज मुंतजर जो एक
स्कॉलर हैं, रामायण के स्कॉलर हैं, उनका काम जो है जग जाहिर है, जाके देख लीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड मुर्तजा अली खान, रामायण के, रामायण के स्कॉलर, रामायण के कोई स्कॉलर नहीं है मनोज मुंतशिर, वो बॉलीवुड में एक लेखक के तौर पर, एक लिरिसिस्ट के तौर पर, वो लेखक के तौर पर, लिरिसिस्ट के तौर पर है, कोई स्कॉलर नहीं है रामायण के, वो कोई धार्मिक अथॉरिटी है, देश संविधान से चलेगा कि देश किसी का भी देश भावनाओं से चलेगा। अगर आप किसी आराध्य को, मोटा सरकार किसी के आराध्य को अगर आप भेद पहुंचाते हैं तो उन भावनाओं को आपको सुनना पड़ेगा, आपके पास ना सुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड विष्णु गुप्ता, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मानवीय तनेजा मुझे बताइए, मानवीय तनेजा मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए ना, एक सेकंड, एक सेकंड मोटा सरकार, एक सेकंड मानवीय तनेजा मुझे बताइए कि आपने, आपके साथ, एक सेकंड विष्णु जी, विष्णु जी, एक सेकंड विष्णु गुप्ता, एक सेकंड, एक सेकंड मोटा सरकार, विष्णु गुप्ता, दोनों साथ एक एक करके, 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 एक एक करके मानो तने मुझे बताइए, इसमें डायलॉग है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप का। एक सेकंड, ये सवाल आपका नाम मानो तनेजा नहीं है ना, आपका नाम मानो तनेजा नहीं है ना सर, मानवीय जवाब मैं कह रहा हूँ, दे दूं मैं, अरे बिल्कुल रावण के लिए यूज हो रहा है, रावण के बारे में, रावण का चरित्र चित्रण है, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। एक सेकंड विष्णु गुप्ता, एक सेकंड सर, झगड़ के विष्णु भाई को फायदा नहीं है ना, एक एक करके बात की, एक एक करके बात कीजिए। मुर्तजा अली खान, मुर्तजा अली खान, एनक्रोचमेंट नहीं, एनक्रोचमेंट नहीं, पहले जरा अपनी बातें, बात भी कर ले, बोलिएगा मानवीय तनेजा। देखिए अगर ये मिर्ची की तरह चीची चीची करना बंद करे तो मैं भी कुछ बोल दूं। इतने जो कठोर शब्द आपने मिर्ची की तरह बोले हैं, जैसे लोहा को लोहा काटता है ऐसे मिर्ची खा लें थोड़ा, और शायद से मुझे लगता है जो आपके अंदर जो गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा और जबान भी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अब मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए जैसे अभी आपने बोला कि उसमें डायलॉग थोड़े से ठीक नहीं थे, आपत्तिजनक थी। पहली बात, सेंसर बोर्ड क्या सो रहा था? सेंसर बोर्ड के पास हुई है और सेंसर बोर्ड उस पर कैंची मार देता है। जब सेंसर बोर्ड पठान जैसी मूवी पे कैंची मारता है, जो देशभक्ति पिक्चर है, इसमें भी कैंची मार सकता था, पठान सेंसर बोर्ड ने कैंची नहीं मारी। अब दूसरी बात मैं ये रखती हूँ, इनको यहाँ पे इतनी ज्यादा आपत्ति हो रही है कि डायलॉग्स ऐसे हैं और हमारी आस्था को ठेस पहुंची, तो उस वक्त इनकी आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुंचती जब हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में मॉडर्न रामलीला करते हैं, मॉडर्न रामायण का एक्ट करते हैं, फिर रामलीला ग्राउंड पे भी मॉडर्न रामायण होता है जहां पे इतना वल्गैरिटी से दिखाया जाता है, उस वक्त ये जवान नहीं खोलते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एजेंडा वहां पे आगे करना है, हिटलर का जो एजेंडा है वो आगे, प्रोपेगेंडा जो उनको सेट करना है। और यहां पे अगर हम कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, अच्छा है, उल्टा बच्चे जा रहे हैं वो देख रहे हैं ये पिक्चर, अगर स्कूल में वो नहीं पढ़ते तो एक सेकंड मानवीय तनेजा मुझे बताइए, आपने कहा कि बच्चे जा रहे, बच्चे सीखेंगे, मैं उम्मीद नहीं करता ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके घर का कोई छोटा बच्चा जाता है और आकर के आपको इसी भाषा में बयान करता है कि ये तेरे बाप का, वो तेरे बाप का, जले तेरे बाप की, घर में मंजूर होगा? देखिए मैं वही तो हाँ बता दीजिए, घर में मंजूर होगा? मैं ये कह रही हूँ कि फिर सेंसर बोर्ड क्या कर सेंसर बोर्ड की, सेंसर बोर्ड की, सेंसर बोर्ड की जो सुचिता है, मानवीय तनेजा, सेंसर बोर्ड की जो सुचिता है, एक सेकंड मेरी बात जानकारी से बता दो, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज नहीं है। मानवीय तनेजा मेरा कहना ये है, मानवीय तनेजा मेरा कहना है कि सेंसर बोर्ड की जो सुचिता है उसको तय करना अदालती अधिकार है, उस मामले में हाईकोर्ट में मामला गया हुआ, वो तय हो जाएगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि मानवीय तनेजा कहते हैं कि भाई आज का युवा जो है वो जाकर के सीखेगा, बच्चे जाएंगे, बच्चे चरित्र जानेंगे, तो बच्चा अगर आपका ये डायलॉग सीख रहे, बच्चा डायलॉग अगर ये कॉपी कर लेता है और घर आके बोले, घर आके बोले कि तेरी जली ना, जिसकी जलती है वही जानता है, मंजूर होगा घर में क्या? मुझे हाँ या ना का उत्तर दे दीजिए बस। तो फिर स्कूल का जो मॉडर्न मानवीय तनेजा, मुझे हाँ या ना का उत्तर आप दे दीजिए, मानवीय तनेजा मुझे हाँ या ना का उत्तर दे दीजिए। ठीक बात, एक सेकंड, एक सेकंड विष्णु, विष्णु गुप्ता, एक सेकंड मुर्तजा अली खान मुझे बताइए जरा, जो सवाल मेरा, जो सवाल मेरा मुर्तजा अली खान, जो सवाल मेरा मानवीय जी से था, वही सवाल मेरा आपसे भी है। आपके घर का बच्चा, आपके घर का युवा जाकर के ऐसे डायलॉग्स कॉपी करे? अरे मैं कह रहा हूँ सर, आप एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड विष्णु गुप्ता, सवाल मुर्तजा अली खान, सवाल मुर्तजा अली खान, एक सेकंड, किसी धर्म की बात विष्णु गुप्ता लोग नहीं करेंगे। मैं सर आपके पास विष्णु, मैं आपके पास जब आऊंगा अपना जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड, मेरे घरवाले, मैंने रामलीला में बचपन से पार्ट लिया है, मेरी साझा धरोहर है, तुम्हारे पापा रह गई है, तुम्हारा हक नहीं है उसमें, रामायण मेरा भी हिस्सा है, मेरे जीवन का हिस्सा है, तुम को अलग कर रोकने वाली, मेरी धरोहर छीनने वाले, तुम को अलग कर मेरी धरोहर मुझे छीनने वाले, मेरी साझा धरोहर है, रामायण मेरी साझा धरोहर है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है। हिंदू बन जाओ, मैं हिंदू अपने को मानता हूँ क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ना मतलब तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे कहने से विष्णु गुप्ता, अब चर्चा को, चर्चा को एक सेकंड, एक सेकंड, मुर्तजा अली खान, विष्णु गुप्ता, दोनों को रुकूंगा सर।
विष्णु गुप्ता मुर्तजा अली खान मैं दोनों को रोकूंगा, विष्णु गुप्ता मुर्तजा अली खान मैं दोनों को रोकूंगा। सर ये चर्चा का ये स्तर हम लेके नहीं जाएंगे। आपके आपका जो एक सेकंड हिंदू सेना चलाते हैं आप कोर्ट में पहुंचे मुर्तजा अली खान, मुर्तजा अली खान एक सेकंड, विष्णु गुप्ता, विष्णु गुप्ता एक सेकंड, विष्णु गुप्ता अरे नाम पे आपके विष्णु है उसको चरित्र अपनाइए। मुर्तजा अली खान, मुर्तजा अली खान, मुर्तजा अली खान मैं आपको आखिरी 10 सेकंड दे रहा हूँ अपनी बात पूरी करने के, उसके बाद आप वादा कीजिए आगे नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, विष्णु विष्णु जी मैं कह रहा हूँ सर अपने नाम का तो ख्याल कीजिए, अपने नाम का ख्याल कीजिए, जो नाम आपका है बड़ा सुसज्जित नाम है, आराध्य का नाम है, उनके उनके अनुसार आप ये कीजिए। मैं तो दोनों को मैं रोकता हूँ, आप दोनों को मैं रोकता हूँ, आप दोनों को मैं रोकता हूँ। ठीक है, मैं पीसीआर से सर दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि आप दोनों का जो माइक है कुछ देर के डाउन कर दीजिए, आप दोनों का जरा माइक डाउन कीजिए। सुरेंद्र पाल जी मैं सवाल सीधा आपके पास लेकर के आता हूँ। सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र पाल जी मुझे ये बताइए कि जो कहानी है रामायण की वो त्रेता की है, लोग जो दर्शक है वो किसी आईटी सेल के सदस्य नहीं है सर। ऐसे कई लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूं जिनका तकरीबन यही रिएक्शन है, वो कह रहे हैं कि फिल्म मेकर्स ने ऊट पटांग डायलॉग्स को करते क्रिएटिव लिबर्टी की कथित तौर पर उपलब्धता जताते हुए इसको भोंडा बना दिया है, कलयुगी बना दिया है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। और अभी जो मैं आपकी ये चर्चा सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा कि जी सेंसर बोर्ड ने इसे कैसे पास कर दिया, सेंसर बोर्ड ने इसे कैसे पास कर दिया, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड की एक गाइडलाइन होती है कि जो आपत्तिजनक सीन हो उनको देखा जाए और उनके ऊपर कैंची चलाई जाए, आपत्तिजनक। लेकिन वो कहानी कौन सी बना रहे हैं, कौन सी नहीं बना रहे हैं, इसके लिए सेंसर बोर्ड की कोई गाइडलाइन नहीं होती है, ये मैं बता देना चाहता हूं। अब आइए दूसरे मकसद पर कि जब ये हम फिल्म देखते हैं इस तरह की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई फिल्म, तो ये फिल्म जो है हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, हम इसको अपने दिल से देखते हैं, दिल पे लगी हुई जो आंख है हम उससे देखते हैं, हमारी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, अगर उनको गलत दृष्टि से दिखाया जाएगा, उनको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाएगा, इस तरह के मैं ये कहता हूं राइटर ने बहुत बढ़िया डायलॉग लिखे हैं, लेकिन ये डायलॉग हमारी धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं, बिल्कुल नहीं लिखे वहां से। इस बात की देखिए, इस बात की तारीफ करने में एक सेकंड, मुर्तजा अली खान के करके वो हमारे दिल में लगते हैं, वो हमारे रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत जैसे ब्रेक के बाद में चर्चा लगातार जारी रहेगी। और इस बात में कोई शक नहीं कि इसी मूवी के अंदर मनोज मुंतशिर ने शिव होम भी लिखा है जिसकी तारीफें हो रही, लेकिन उसकी आड़ में ऐसे डायलॉग्स को आप नकार नहीं सकते जो कि आपके आराध्य के मुंह से निकलते हैं और लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। नासिर साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, और इस फिल्म के जो निर्माता हैं उनका कहना यह है कि जानबूझकर ऐसा लिखा गया जिन डायलॉग्स पर हो हंगामा हो रहा है ताकि आजकल के लोग उससे जुड़ सकें। मेरा सवाल यह कि क्या देश के युवा को जोड़ने के लिए ऐसे निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या युवा ऐसी ही भाषा के द्वारा जुड़ सकता है? ये इरादा बिल्कुल नहीं है, वक्त जो है बदल गया है इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। ये जो आप जलने जलाने की बात कर रहे थे, ये कुमार विश्वास साहब ने ये जो हनुमान जी ने जो डायलॉग दिया है उसके उन्होंने एक ऑडिटोरियम में यही डायलॉग जो है दोहराया था और उस पर उनको लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाई थी, क्योंकि उसमें ये दिखाया था कि हनुमान जी हाजिर जवाब थे, उन्होंने ईंट का जवाब अपना पत्थर का जवाब ईंट से दिया था। लेकिन अब इसको गलत अंदाजे से माना जा रहा है। एक बात और हुई थी इससे पहले कि उन्होंने कहा था कि रावण की जो दाढ़ी है वो मुसलमान जैसी लग रही है, पहले ये बात थी, और उसकी गाड़ी इनोवा जैसी लग रही है। तो ये बातें इधर उधर से क्यों ले आते हैं मुझको समझ नहीं आता। फिल्म देखो उसमें कोई अश्लीलता नहीं है। नासिर साहब देखिए, मेरा सीधा सा सवाल ये था, पहली बात तो अगर ये क्लेम किया जाता है कि भाई कुछ हमने वाल्मीकि रामायण से लिया, कुछ जो कथावाचक है उनसे लिया, कुछ हमने कुमार विश्वास से ले लिया, तो लेखक ये तो फिर अपना क्रेडिट छोड़ दे। अगर सब कुछ असेंबल्ड ही है, आपने कॉपी कर लिया, तो लेखक अपना तो क्रेडिट छोड़ दे कि मैंने लिखी नहीं है, मैंने खाली असेंबल किया। और दूसरी बात, सवाल मेरा सिर्फ ये था नासिर साहब, ऐसे फिल्म बनाओ नासिर अब्दुल्ला जी, सवाल मेरा सिर्फ ये था कि अगर ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई ज्यादा फंकी मॉडर्न या रिलेटेबल हमको मूवी बनानी थी, रामायण को ज्यादा रिलेटेबल बनाना था, तो क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल जरूरी है क्या?
ऐसी भाषा इतनी खराब नहीं है, उसने अगर खराब है कि नहीं है, इतनी कितनी छोड़ दीजिए, खराब है कि नहीं है, जलन होती है ना, दिल में जलन होती है, चलते है ना लोग, तो क्या हो गया? लेकिन आप लोग जान के जलने को अश्लील मांग रहे हैं, मैं सिर्फ जलने को बात नहीं कर रहा सर, गाली मैं तो नासिर साहब जो सवाल मैंने पहले पहले से किया था वही सवाल मैं आपके सामने दोहरा दे रहा हूँ, उसके बाद में चलूंगा बात करने वाले बात, सवाल बताता हूँ कि आपकी आपके भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर खानदान का कोई बच्चा, कोई युवा बच्चा, कोई बड़ा बच्चा अगर ऐसी भाषा करे कि तेरी बुआ का बगीचा है कि जो हवा खाने चला आया, मरेगा बेटे को जान से हाथ धोएगा, स्वीकार होगा नासिर अब्दुल्ला? बच्चे समझते हैं सर कि इतनी बुरी भाषा नहीं है, मैं कह रहा हूँ सर आपको कि आपने घर की चारदीवारी के अंदर ये भाषा मंजूर है, मेरे बाप का जो भी कहा नासिर अब्दुल्ला, क्या आपको अपने घर की चारदीवारी के अंदर ये भाषा मंजूर होगी? मुझे मैं ठीक हूँ इस भाषा से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस भाषा को उस गंदे अश्लीलता के साथ आप उसको देखें तो जाहिर बात है कोई भी डायलॉग गंदा हो सकता है, अश्लील हो सकता है, मुझे नहीं लगता। जी मेरा सवाल ये है, बच्चों को बहुत कुछ मालूम है। सुरेंद्र पाल जी मेरा सवाल ये है कि क्या बहुत ज़हनियत के साथ अगर कोई असंस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या वो सही हो जाती है? क्योंकि आपका लहजा सही था, शब्द सही हो या ना हो, ये परमिसेबल है? देखिए मैं तो यही बताऊंगा कि देखिए इस फिल्म के बारे में कि इन्होंने बहुत बहुत पैसा खर्चा करके एक धार्मिक ग्रंथ को हर्ट तो कर दिया है, उन्होंने उसको आघात तो पहुंचाया है, लेकिन इस फिल्म के अंदर वो एक चीज को बिल्कुल भूल गए। उन्होंने ग्राफिक्स वगैरह तो बहुत लेविश स्केल पे बना डाले, लेकिन ये भूल गए कि भैया ये जो है हम थोड़ा सा कहानी पे भी उतना ही ध्यान दे दें और कहानी को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर ना पेश करके उसको सिंपल वे में अगर पेश करते तो शायद मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इसे स्वीकार करती, अगर वो इसको ढंग से पेश करते। रामायण जो है, जब रामानंद सागर ने जब बना के पेश की तो हिंदुस्तान की सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था उसे देखने के लिए। यदि आप किसी चीज को सही ढंग से पेश करेंगे तो जनता उसको पसंद करेगी, लेकिन आपकी पटकथा जो है कहानी है उसमें ही दम नहीं दिख रहा है मुझे, जब दम ही नहीं दिख रहा है तो कहां से लोग उसे लोग पसंद करेंगे? लोग तो देख रहे हैं ना, लोग तो देख रहे हैं। लेकिन माननीय तनिजा मुझे बात बताइए ना, पहली बार किया चाहे चौथी बार किया चाहे सौवीं बार किया, क्या एक बार मुझे आपत्ति कोई भी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि लोग क्यों देख रहे हैं एक बार, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ को यदि इस तरह से तोड़ मरोड़ के दिखाया तो डेफिनेटली मेरा ऑब्जेक्शन रहेगा और मैं बोलूंगा। भगवान का अपमान हो रहा है, इंसान को जाएंगे और वहां का पहरेदार उनसे बदतमीजी करेगा तो क्या उसको पेड़े लड्डू खिलाएंगे क्या वो? मुर्तजा साहब मुझे बताइए, अगर अभी विष्णु गुप्ता को लगा बोलें कि भाई आप ऐसी बातें करो मैं लंका लगा दूंगा, आपको स्वीकार होगा? देखिए मैं तो ऐसे बोलना चाहती हूं, दो दिन पिक्चर को रिलीज हुए में, लेकिन आपके पेट में इतनी दर्द हो गई है कि आप लोग सारे हनुमान जी बनकर लंका जलाने बैठ गए हैं, क्यों दो दिन हुए और आप देखिए लोगों ने जो जहन में कड़वाहट है उसको लेकर के बाकी तरीके आम लेकर के कड़वाहट तुम्हारे अंदर है, विरोध है, विष्णु गुप्ता का तो शायद तय कर दिया कि भाई आप आम खाइए जबान मीठी हो जाएगी, लेकिन महंत नवल किशोर दास जी मेरा सवाल ये है कि ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई युवाओं तक संदेश पहुंचाने के लिए मॉडर्नाइज वे में रामायण को दिखाया गया, लेकिन अभी कोविड काल में जब आपस दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण हुआ था तो ये आधिकारिक आंकड़े हैं कि करोड़ों की संख्या में रोजाना रामायण के हर एपिसोड को देखा गया था, यानी जो रामानंद सागर का जो वर्जन था रामायण का वो लोगों को पसंद है, तो फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी क्यों होता है? पसंद मान जी, मैं अनंत जी यही कह रहा था आपको कि नाटक के द्वारा फिल्म के द्वारा हमारी वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिले जिसका वो अनुसरण और अनुकरण कर पाए,
इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे बच्चे फिल्म देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, उनके जीवन पर, उनकी भाषा पर, उनके भाव पर क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को खिलवाड़ न बना दें। नाटक नौटंकी अलग विषय है, हम एक आदर्श अपने इष्ट के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हैं, उनका चरित्र जब दिखा रहे हैं तो मैं चाहता हूं वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी पे उनका पवित्रता, उनकी दिव्यता, उनकी भगवत्ता उसी रूप में स्थापित हो। हमारी मूल अवधारणा में कम से कम कोई किसी प्रकार की गिरावट ना आए, बनावट ना आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उसका विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए, उनका भेष कैसा होना चाहिए, उनकी भाषा कैसी होना चाहिए। अब हम अपने आराध्यों से कुछ ऐसी भाषा बुलवाएंगे तो कल बच्चे चलते चलते रोड़ों पर आपस में संबोधन करेंगे और व्यंग करेंगे, और व्यंग करेंगे तो हमारे भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति उनको श्रद्धा कहाँ रहेगी। मुझे लगता है फिल्म बनाने वालों का भी, लिखने वालों का भी और कलाकारों का, सबका सामूहिक दायित्व है कि हम समाज को मर्यादा की ओर ले जाएं, धर्म की ओर ले जाएं, व्यवस्थित की ओर ले जाएं। आप जैसे खेल के लिए कह रहे हो, नाटक दिखाना दिखाते हो आप, कितना दिखाते नहीं हुआ। जैसा कि मानवी ने कहा, इस देश के अंदर हमने पिक्चर वो भी देखी जिसमें काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, इस देश के अंदर पोस्टर वो भी देखे जिसमें भगवान शिव को गांजा पीते हुए दिखाया गया, चिलम पीते हुए दिखाया गया, इस देश के अंदर हम ये भी देख रहे हैं जहां हनुमान ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पर्पसफुल टेक्टिक होती है क्या कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको प्रसिद्धि मिल जाए, आप ऐसा कोई तार छेड़ दीजिए, उसका विरोध कर। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो जो आप बता रहे हैं उन विषय पर मैंने पूरा विरोध किया था जी। पूरा अखाड़ा परिषद विरोध करता है, पूरा हिंदू समाज विरोध करता है। और अभी एक व्यक्ति ने कहा 100 करोड़ कमाए हैं, आप 50 करोड़ कमाओ। भैया केवल कमाई सब कुछ नहीं है, अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ तो दो, ये हम सबका दायित्व है, विरोध नहीं है, एक तरह का अनुरोध भी है। आप कलाकार हो, आप लेखक हो, तो समाज को कुछ अच्छा परोसो, ऐसा निवेदन मैं कर रहा हूँ जी। मुर्तजा अली खान बताइए जरा, अगर आप धार्मिक चीजें पहुंचाना ही चाहते हैं तो ज्यादा सभ्य तरीके से, ज्यादा जहीन तरीके से पहुंचाइए। ये युवाओं से जुड़ने के नाम पर जो एक ये जो शेडो दिया जा रहा है, युवा कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है? देखिए, सबसे पहले तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि फिल्म को मॉडर्नाइज वे में प्रेजेंट किया गया, मॉडर्नाइज वे में प्रेजेंट नहीं किया गया। जो वैल्यूज हैं भगवान राम की, जो माता सीता और भगवान राम की जो कहानी है वनवास की, उससे रावण वध तक पूरी की पूरी तरह से वैसे ही प्रेजेंट किया गया। टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स मॉडर्न है। जैसे रामानंद सागर, मैं कह रहा हूं सर, VFX क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या, उसको छोड़ दिया, मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है सर। एक चीज, रामानंद सागर जी की जब हम रामायण देखते थे, भगवान राम एक तीर चलाते थे, वो तीर 10-15 तीर बनके फिर सामने निकलते थे, वो इस बार नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा VFX यूज करके उसको मेरा VFX से मतलब ही नहीं है सर, मॉडर्नाइज्ड मेरा VFX से मतलब ही नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ भाषा से नहीं, भाषा भी गलत है, भाषा के विरुद्ध बात कर रहा हूं। एक बात सुनिए, भगवान राम के कहने पर माता सीता का संकेत और संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी समुद्र लांघ के लंका पहुंचते हैं, वहां माता सीता से उनका मिलन होता है, तभी एक पहरेदार, लंका का पहरेदार उनको आगे कहता है बंदर, बंदर कह के हनुमान जी को संबोधित करता है। तो हनुमान जी लड्डू देंगे क्या उसे? कहेंगे नहीं कि तुझे अभी सबक सिखाता हूं, तुझे अभी बताता हूं, तेरा भूत निकाल देता हूं। तो हनुमान जी क्या उसको लड्डू दे देते? क्या ये मर्यादा है? जब एक बदतमीजी करेगा, माता सीता और हनुमान जी जब मैसेज पहुंचा रहे हैं, भगवान राम का संदेश लेके गए हैं, और वो माता सीता को बताना चाह रहे हैं कि भगवान कितने व्याकुल हैं आपके लिए और संदेश पहुंचा रहे हैं, और एक पहरेदार आके बदतमीजी करता है, बंदर कह के हनुमान जी को संबोधित करता है, तो क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? क्या उनका क्रोध की ज्वाला नहीं फटेगी? बात बताता हूं आपके लिए मुर्तजा अली खान, अगर आपने रामायण की बातें पढ़ी होंगी और आपने रामायण को पढ़ी होगी, या फिर आपने रामानंद सागर की रामायण भी देखी होगी, तो उसमें भी वानर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसमें भी शेरमान के लिए वानर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके जवाब में उनकी भाषा ऐसी नहीं थी जिस भाषा का आप समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। दारा सिंह इस बात के बाद आपको ध्यान रखना होगा, दारा सिंह जी भाषा में गालियां हैं, वही कह रहा हूँ सर, रामायण सागर की जो भाषा जो रामायण में भाषा थी वैसी नहीं थी, वो भी युवाओं के बीच उतनी ही प्रसिद्ध हुई थी, दिखाई दी थी जो आज के युवा है। सर मेरे पास सिर्फ इतना ही था सर, चर्चा को विराम देना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, लेकिन दर्शकों के विवेक पर निर्भर है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो चीजें की जा रही हैं उसको आप वाकई में क्रिएटिव फ्रीडम के दायरे में रखते हैं या आप समझते हैं कि उन पर रोक लगनी चाहिए। नमस्कार।